हेलो फ्रेंड्स, आज की मैं इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ प्रोग्रामिंग, और वो भी मैं प्रोग्रामिंग फॉक्सप्रो पे बताऊंगा कि आप फॉक्सप्रो पे प्रोग्रामिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज फॉक्सप्रो पे प्रोग्रामिंग आपको करके बताता हूँ। पिछले वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था उसमें दो नंबर को इनपुट के साथ जोड़ने के लिए बताया था। अभी हम रिकॉर्ड को, जो भी रिकॉर्ड है उससे रिलेटेड हम एक स्विच बनाएंगे। स्विच यानी आपको वीडियो में पता चल जाएगा स्विच कैसे बनाते हैं, तो डू करके उससे हम प्रोग्रामिंग को स्विच तैयार करेंगे, और जो जो भी हम स्विच ऐड करेंगे उस स्विच के अनुसार वो प्रोग्राम रन करेगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, ठीक है फ्रेंड्स। मैं फॉक्स प्रो यहाँ से ऑन कर ले रहा हूँ अपना, और सबसे पहले कोई एक फाइल जो आपने डेटाबेस फाइल में जो बना के रखा था वो जो DIR से हम चेक कर लेते हैं किसमें कितना रिकॉर्ड है। तो न्यू फाइल में चार रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, तो हम इसे यूज स्पेस न्यू फाइल खोलिए, लिस्ट करके हमने चार रिकॉर्ड को देख लिया, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। अब प्रोग्राम मोडी कॉम, और इससे हम नाम देते हैं इस प्रोग्राम का नाम उसे स्विच देते हैं, स्विच, ठीक है। यहाँ हम सेट टॉप ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम फाइल को ऐड कर देते हैं, न्यू फाइल ऐड कर दिए, और स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट के अंदर बटन तैयार कर देते हैं, फंक्शंस, ठीक है। वन, अगर मैं वन प्रेस करूं तो रिकॉर्ड मेरा डिस्प्ले रिकॉर्ड डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड कर देते हैं, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड। सेकेंड स्विच में मैं ऐड कर देता हूँ, एडिट एनी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। तीसरा मैं स्विच बनाता हूँ, तीसरा स्विच मैं बनाता हूँ एड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। अब हम टेक्स्ट एंड टेक्स्ट इसे बंद कर दिए। अब हम वेट एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं कि चॉइस एनी नंबर, चूज एनी नंबर टू के साथ CHOIS चॉइस ऐड कर दिए, और कैश चलेगा, डू कैश, कैश स्विच इस कैश चॉइस चॉइस इज इक्वल टू वन। वन में मैंने ऐड किया था डिस्प्ले ऑल, यहाँ पे कमांड में ऐड कर दिया डिस्प्ले ऑल। जब भी कोई व्यक्ति एक प्रेस करेगा रन कराने के बाद तो ये आ जाना चाहिए, ये कमांड चलना चाहिए, ठीक है। अब कैश चॉइस टू, ठीक है। कैश चॉइस टू में
edit any record, मतलब कि we browse, ठीक है, case choice is equal to 3, मतलब add any record यानी कि append, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 4, जो कि exit foxpro, तो 4 के लिए यहाँ लिख देंगे case choic is equal to 4 और इसका क्विट होता है, अदरवाइज भी लिख देते हैं, अदरवाइज वेट मैसेज यू हैव अ एंटर्ड रॉन्ग चॉइस, ठीक है। ये मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया इंड इंड डू इंड केस, इंड केस बंद हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्लू, अब इसे रन कराना है, तो रन कराने के लिए आपको लिखना पड़ेगा DO डू स्पेस स्विच इंटर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है चूज एनी नंबर, यहाँ पे आपको किसी एक का, जैसे कि हमको वो रिकॉर्ड देखना है, तो रिकॉर्ड देखने के लिए हमने यहाँ पे प्रेस क्या रखा है 1, अगर कीबोर्ड से आपने 1 प्रेस कर दिया तो डिस्प्ले ऑल सारा रिकॉर्ड दिखा दिया, ठीक है, ये हो गया। अभी हम फिर से स्विच चलाते हैं, देखिए फिर मांग रहा है, तो अभी हम एडिट करते हैं, एडिट एनी रिकॉर्ड, तो दो दबाने कहीं भी हम एडिट कर सकते हैं, डीसीए है, हम इसको टैली बटन बना सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू सेव कर दिए। अभी देखेंगे इसको डिस्प्ले ऑल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर टैली आ गया है उसका, तो यहाँ पे एडिट हो गया। और ऐड एनी रिकॉर्ड की भी, नया रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए, सो हम यहाँ पे 3 में दिए हैं, 3 ऐड यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है, इसे सेव कर दिए। अभी हमारे रिकॉर्ड में एग्जिट 4 दबा दिए, सॉरी, इसलिए एग्जिट हो गया। हम वापस से करके दिखाते हैं आपको, switch स्विच, यहाँ पे हमने तीसरा, चौथा, पहला, देखिए पांचवा रिकॉर्ड एडिट हो गया संजू के नाम से। सो अब हम फॉक्स प्रो को एग्जिट करना है, तो फिर हम 1 दबा कर एग्जिट कर देंगे, सॉरी 4 दबा कर एग्जिट कर देंगे, फॉक्स प्रो बंद हो जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही।